विशेष राज दर्जा देने की बात तो कभी की खत्म हो गई, ये यूपी सरकार में विषय खत्म हो गया, ये बात मुख्यमंत्री जी को मालूम है, लेकिन ये उनको तब याद पड़ता है जब भाजपा से वो अलग होते हैं। गांधी सेतु की हालत जब खराब हो गई तो उसके सुपर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए लगातार यूपी की सरकार के दरवाजे पर दस्तक देता रहा हमें लगातार कई सालों तक, लेकिन उस सरकार के कान पर जूं नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार बनती है वैसे ही एक साथ गांधी सेतु के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को बदलने का पैसा आवंटित होता है, टेंडर होता है, काम पूरा हो जाता है और आज हम सस्ता सा घूम रहे हैं, चल रहे हैं उस पर। पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है और ये केवल मोदी जी के कारण हो रहा है, बीजेपी सरकार के कारण हो रहा है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते रहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अब बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है ये मांग तो खत्म हो चुकी है, यूपीए सरकार के समय ही खत्म हो चुकी है। इसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब जब बीजेपी से अलग हो जाते हैं तब उन्हें इसकी याद आती है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव, पहले आप वो सुनिए। तो विशेष राज दर्जा देने की बात तो कभी की खत्म हो गई, यूपीए सरकार में विषय खत्म हो गया, ये बात मुख्यमंत्री जी को मालूम है, लेकिन ये उनको तब याद पड़ता है जब भाजपा से वो अलग होते हैं। ये तब क्यों याद पड़ता है? ये केवल राजनीतिक नारा रह गया है। अब समेकित रूप से बिहार का विकास हो, सभी पिछड़े राज्यों का विकास हो, इसके लिए अब लगातार भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित की है। आप कल्पना करिए ना, बिहार के अंदर जो सड़कें बन रही है, जो पुल पुलिया बन रहे हैं, वो पैसा बिहार के विकास में खर्च नहीं हो रहा है क्या? अभी गांधी सेतु की बात करिए, मैं ही खुद पथ निर्माण मंत्री था, गांधी सेतु की हालत जब खराब हो गई तो उसके सुपर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए लगातार यूपी की सरकार के दरवाजे पर दस्तक देता रहा हमें लगातार कई सालों तक, लेकिन उस सरकार के कान पर जूं नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार बनती है वैसे ही एक साथ गांधी सेतु के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को बदलने का पैसा आवंटित होता है, टेंडर होता है, काम पूरा हो जाता है और आज हम सस्ता सा घूम रहे हैं, चल रहे हैं उस पर। तो केवल राजनीतिक प्रतिशोध के कारण और राजनीतिक बयानबाजी के कारण राज्य का भला नहीं होने वाला है, मिल करके राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए, मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर जो विशेष राज्य का जो दर्जा है कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो चुका है, यूपीए की सरकार में खत्म हो चुका। अरे भाई, सवाल सबसे बड़ी बात है, लालू जी बड़े प्रभावशाली मंत्री थे जब यूपीए की सरकार थी, क्यों नहीं मिला? कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं दिला पाए? कंसेप्ट नहीं है अब, ये तो केवल पॉलिटिकल नारा बन गया उनका। और अभी देखा आपने, स्वयं भी आपने देखा, तीन उपचुनाव में, दो उपचुनाव में किसका सुपड़ा साफ हुआ, आपको इसका अंदाज। ये तथाकथित महागठबंधन के लोग चाहे जितना चिल्पो करना है कर लें, जनता मोदी जी के साथ है, जनता देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित रखना चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक रखना चाहती है, देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है और ये केवल मोदी जी के कारण हो रहा है, बीजेपी सरकार के कारण हो रहा है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ हैं, चाहे जिसको जितना चिल्पो करना है करे। मुख्यमंत्री धन्यवाद, मुख्यमंत्री धन्यवाद। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा है, महागठबंधन पर निशाना साधा है, वहीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर साफ साफ कह दिया ये मांग तो, ये जो मांग है ये यूपीए सरकार के समय ही खत्म हो चुकी थी, इसकी जानकारी नीतीश कुमार को ही है, लेकिन जब वो बीजेपी से अलग हो जाते हैं तब उनको इसकी याद पड़ती है, राजनीतिक मांग ही रह गई है। तो कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, बजट को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम के तहत वो मुजफ्फरपुर आए थे, इस दौरान प्रेस वार्ता के समय ये बातें कही हैं, महागठबंधन पर निशाना भी साधा है। तो